हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। तो इस कहानी का नाम है माँ की ममता। ये कहानी एक चिड़िया और उसके दो छोटे छोटे बच्चों पर आधारित है। तो बच्चों, जल्दी से हम कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से चैनल को देखो, सब्सक्राइब लिखा होगा वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ताकि क्या होगा, आपको जो वीडियो है मैं जैसे ही अपलोड करती हूँ वो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो कहानी का नाम क्या है? माँ की ममता। और हम शुरू करते हैं कहानी। पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। चिड़िया का नाम क्या है? सुरीली। देखो कैसे बैठी हुई है वो पेड़ पे, एकदम आपको फोटो में नजर आ रहा है। तो पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। तो देखो बच्चों, कैसे दोनों छोटे छोटे बच्चे बातें कर रहे हैं और चिड़िया जो है वो अपने बच्चों के पास में चैन से बैठी हुई है, और घोंसला कितना सुंदर नज़र आ रहा है। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। तो देखो, माँ को ही खाना खिलाना पड़ेगा, अभी उसके बच्चे बहुत छोटे हैं। अगर वो उड़ना जानते तो वो जाके खुद खा के आ सकते थे, परंतु वो बहुत ही अभी छोटे छोटे बच्चे थे, इसीलिए उनकी जो माँ है वो खाना ला के उनको खिलाती थी। देखो अब क्या हुआ, एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, तो बहुत तेज की बरसात हो रही थी, तभी सुरीले के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। इतना जोर की बरसात देखते देखते बच्चे भूख से रो रहे थे। अब देखो, इतनी जोर की बरसात हो रही है, देखो बच्चे कैसे भीग चुके हैं, और अब बच्चों को बहुत ही भूख लग रही है। तो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं और माँ को कह रहे हैं कि हमको भूख लग रही है, खाना लेके आओ। अब सुरीली से अपने बच्चों के का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। अब देखिए, बच्चे तो इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और माँ कह रही थी कि अरे चुप हो जाओ, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी, तो अभी सुरीली वहाँ पे कहाँ जाती, खाना उसे कहाँ मिलता, और बारिश जो थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और माँ को देखो, अपने बच्चों का रोना बिल्कुल भी सहन नहीं होता और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे जो थे वो भूख से बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। तो माँ क्या कर रही थी, उनको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, बट बच्चे चुप हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ही ज़ोर की भूख लगने लगी थी। अब सुरीली सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में कहाँ से खाना लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों की भूख कैसे शांत होगी? तो देखो, अभी माँ जो थी वो सोच रही थी कि बच्चों की भूख शांत कैसे करूं, इतनी तेज़ बारिश है, खाना कहाँ मिलेगा, और बच्चों की अगर खाना नहीं मिला तो बच्चों की भूख कैसे शांत होगी। अब माँ तो इतना सोच रही है, फिर उसने क्या किया, देखो, काफ़ी देर सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। देखिए, वहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा दूर एक पंडित जी का घर था, जहाँ पे देखो प्रसाद मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो वो सोच के सुरीली ने क्या किया, एक बहुत ऊंची उड़ान भरी। बहुत बारिश का समय था, बारिश में देखो अपने उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पक्षियों के पंख जो हैं वो पानी के कारण भारी हो जाते हैं, परंतु अपने बच्चों की सोच के वो जो सुरीली थी, उसने क्या किया, एक उड़ान भरी लंबी, और कहाँ पहुँच गई, वो पंडित जी के घर पहुँच गई। अब पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। देखो, अभी उसने सोचा कि बच्चों को खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, तो वो कहाँ, पंडित जी के घर गई। और पंडित जी के घर में उसको पता है कि वहाँ पे दाल चावल फल, क्योंकि बहुत सारा प्रसाद मिलता है वहाँ पे, तो वो जो प्रसाद है वो रखा हुआ मिल जाएगा। और जैसे ही आंगन में उसे प्रसाद दिख गया, चावल दिख गए, दाल दिख गई, तो उसने क्या किया, फटाफट से बहुत सारे जो चावल थे वो मुँह में रख लिए, ताकि
वो बच्चों को खिला सके, और फटाक से भरते, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे भूख से बहुत जोर जोर से रो रहे होंगे, तो फटाक से उसने खाना लिया और चली गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया, वह चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। तो देखो कैसे फोटो में वो अपनी माँ जो है अपने बच्चे को खाना खिला रही है, क्योंकि वो जूता भी खाना लेके आई थी, वो फटाक से अपने बच्चे के उसने मुंह में डाल दिया, क्योंकि बच्चे तो भूख से बहुत ही तड़प रहे थे, तो वो झटपट गई, झटपट आ गई। अब देखो मोरल क्या है यहाँ पे, संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है, अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपनी माँ का आदर करना चाहिए और माँ का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा जो भी आपके लिए कहती हैं या करती हैं वो आपकी भलाई के लिए ही करती है। अभी आपने वीडियो में कैसा देखा कि वो माँ इतनी तकलीफ़ में थी, इतनी ज़ोर की बारिश थी, ऐसा माहौल था कि वो नहीं जा सकती थी, इतनी बारिश में वो उड़ना उड़ना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि पक्षी एकदम छोटे से होते हैं और बारिश बहुत ही तेज़ थी, हो सकता था कि उसकी जान चली जाती, वो बारिश में पानी को सहन नहीं कर पाती, गिर जाती, उसको कुछ खा कोई जानवर खा जाता, परंतु उसने वो सब चीज़ें छोड़ के क्या सोचा, अपने बच्चों का सोचा कि बच्चों को अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो भूख से मर जाएंगे। तो इतनी विपत्ति में भी, इतने संकट में भी वो अपने बच्चों का सोच के उड़ गई, और देखो उसने सफलता भी हासिल करी, उनके लिए खाना लेकर आई ऐसी सिचुएशन में भी। तो हमेशा बच्चों आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी माँ का कहना मानना, माँ का आदर करना और माँ का सम्मान करना चाहिए। तो ये कहानी जो है बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कहानी थी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो देखो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ में, सभी के साथ में शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और इसी तरीके की वीडियोस जो हैं वो मैं आपके लिए आगे भी लेके आती रहूँगी। और देखिए जो भी मोरल दिया जाता है कहानी में, उसको कोशिश करना कि आप अपनी लाइफ में भी उसको फॉलो करो, अमल करो, है ना, क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं ये इसीलिए सुनाई जाती हैं ताकि इनसे आपकी लाइफ में क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। आपके लिए इसी तरीके की और भी स्टोरीज लेके आऊँगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपके लिए वो मैं जल्दी से वीडियो बना के अपलोड भी करूँगी। और आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए, और हमारा जो चैनल है सुविद्या सुविद्या और चारू चौधरी दोनों को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।